नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे चार पैनिक शेयर के बारे में बात करेंगे जो एक पीएसयू स्टॉक है। जी हाँ, एक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक है जो आज इसमें 19 से 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे के रीजन जानेंगे, ऐसा क्यों हुआ। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको मैं डायरेक्ट फाइनेंस डेटा पर क्यों लेके आया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप समझिए, कोई भी बैंकिंग सेक्टर के लिए एनपीए सबसे बड़ा इश्यू होता है। जी हाँ, एनपीए सबसे बड़ा इश्यू होता, और आप देख रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक लगातार घाटे में 2017 से लेके 2020 तक इसका पर ईयर जो घाटा मतलब बढ़ता जा रहा, मतलब कंपनी मुनाफे में नहीं है, कंपनी घाटे में है। डे टू मतलब हर पर ईयर वाइज इस कंपनी का एनपीए बढ़ता गया है। इसके वजह से अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऐसे पैनिक, ऐसे एनपीए जिसका एनपीए जो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, अनपरफॉर्मेंस एसेट हैं, उनको बेचने का डिसीजन लिया है, उनको प्राइवेटेशन करने का डिसीजन लिया है। इसके वजह से अच्छा खासा इसमें सर्किट लगता दिखाई दिया। और आज का देखेंगे, इसमें कामकाज देखेंगे तो इसमें आज का कामकाज में देखेंगे तो 19% का ग्रोथ देखने को मिला जस्ट वन डेज में। आने वाले टाइम में क्या होता उसके पीछे हम बात करेंगे। चलिए अब दूसरा बैंक देख लेते हैं, दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी फाइनेंस देखेंगे, मतलब एनपीए देखेंगे। ये भी बहुत बड़ा गंदा है, मतलब बहुत गंदा से गंदा एनपीए है। बट मतलब इनकम कहने का मतलब वही नॉन एसेट परफॉर्मिंग, मतलब एनपीए बहुत बेकार है। बट 2020 में थोड़ा प्रॉफिटेबल हुई है बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बट ये भी प्राइवेटेशन के कगार पे आ गया, प्राइवेटेशन के रडार पे आ चुका है, ठीक है। आज का कामकाज इसमें देखेंगे तो इसमें भी आज के कामकाज में 19% का अच्छा खासा सर्किट देखने को मिला। और जो तीसरा बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये है बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी नेट इनकम देखेंगे पर ये 2017 की बात कर ले, चाहे 2018 की बात करें, चाहे 2019 की बात करें, चाहे 2020 की बात करें, लगातार इसका एनपीए बढ़ा है। मतलब ये कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा के नहीं दे पा रही गवर्नमेंट को, मतलब घाटे की कंपनी है, जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जितने भी पीएसयू नॉन परफॉर्मिंग है, जिसका एनपीए बढ़ा हुआ, जो खत्म हो चुकी है, उसको प्राइवेट करने वाली है, मतलब उसका प्राइवेटाइजेशन करने वाली है, ठीक है। ये रहा बैंक ऑफ इंडिया, मतलब तीन बैंक ऐसे। अब चौथा बैंक है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारा जो मैं आपको बता दूं, क्या होता है कि आप कहीं इसमें पैसा लगाएंगे तो नो डाउट आपको पैसा मिलेगा रिटर्न, बट आप इंटर करना इस टाइम इंटर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये सर्किट लगना शुरू हो चुका है। चाहे जितने भी पीएसयू बैंक है, होल्डिंग में दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ मेजोरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। 89% से लेके 90% तक जो भी प्रमोटर होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास है, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बट इसमें एंट्री लेना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। आपको रडार पे रखना पड़ेगा चारों बैंक को, तब जाके आपको एंट्री मिल सकती है। अब बात करते हैं ऐसे चौथे बैंक के बारे में, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी देखेंगे एनपीए लगातार बढ़ा है, लगातार बढ़ा है, मतलब नॉन एसेट परफॉर्मिंग एसेट इसका जो बहुत गंदा है, बहुत बर्बाद कह सकते हो, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब प्रॉफिट कमा के नहीं दे पा रही, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, प्राइवेट प्राइवेट करने के लिए। चाहे इसकी होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग भी देखेंगे तो इसमें भी होल्डिंग अच्छा खासा 89.77% है, ठीक है। ये चार बैंक ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में प्राइवेट हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कब आया उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे या IIFL के वेबसाइट पे चल के हम चेकआउट कर लेते हैं क्या है टिंडल में न्यूज। मैं IIFL के वेबसाइट पे आया हूँ, देखिए लिखा है निफ्टी पीएसयू बैंक रैलीज ऑन प्राइवेटेशन होप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, क्लाइमेट 11 से 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देखिए, अभी गवर्नमेंट ने कुछ आपको, जैसे कि आपको पता है जब गवर्नमेंट ने बजट अनाउंसमेंट किया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हम कुछ ऐसे पीएसयू बैंक को प्राइवेटेशन करेंगे, बट नाम नहीं आया था। बट यहाँ पे नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वो भी गवर्नमेंट के साइड से कन्फर्मेशन नहीं मिला, जस्ट रूटर रिपोर्ट, क्या लिखा, रूटर रिपोर्ट स्टेट्स थ्री गवर्नमेंट सोर्स सेड दैट, मतलब यहाँ पे रूटर्स एक आपको पता है एक चैनल है, एक रिसर्च कंपनी है, जिन्होंने फाइंड आउट किया है कि ऐसे फोर बैंक जो पीएसयू जो प्राइवेटेशन हो सकती है, मतलब प्राइवेट बन सकती हैं, अभी गवर्नमेंट के साइड से ऐसा कुछ
सोर्सेस निकल के नहीं है, मतलब गवर्नमेंट साइड से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया कि यही चार बैंक है जो बन सकता है। मतलब देखिए ये चार सर्किट लगा है, जहां से गवर्नमेंट से डिनाई आएगा फिर लोअर सर्किट लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें जो भी पोजीशन लेना है आपको सोच समझ के पोजीशन लेना है, ठीक है। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब कर दे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।